हड़ताल करेंगे और इस हड़ताल की सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कारण कि हमारे संघ और सरकार के साथ 10-10-2019 को 11 बिंदुओं पर समझौता हुई थी। यहाँ पर हम लोग सीएम आवास घर लाए हैं। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ द्वारा बड़ी तादाद में गिरिडीह शाखा से रांची मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुँचे लोग ने बताया कि हमारे 11 सूत्री मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर होंगे। आगे कहा कि हमारे संघ और सरकार के साथ 2019 में 11 बिंदुओं पर समझौता हुई थी। इस बिंदुओं पर अभी तक एक भी कार्यवाही नहीं होने के कारण यह प्रदर्शन है। हमारी मांग है, हम तो 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। आज हमारी सीएम माननीय मुख्यमंत्री का घेराव है, घेराव का कार्य उनका आवास का घेराव का कार्य। मेरा मुख्य मांग है 2400 ग्रेड पे प्रोटेक्शन निकाय और उसके साथ साथ हमारे और भी जो विभिन्न मांग है 11 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सीएम आवास घर आए हैं। अगर सरकार हमारी सफलपूर्वक समझौता करती है, वार्ता करती है पॉजिटिवली तो हम लोग ये करेंगे, नहीं तो फिर अगला मेरा जो कार्यक्रम होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। जब झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के मैं दुर्गेश मुंडा राज्य के महामंत्री, आज हम लोगों ने 14 सितंबर 2022 को आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव सा प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम लोगों का मुख्य मांग है 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे होने के 3 वर्ष के पश्चात ग्रेड पे को 2800 करना। दूसरा मांग है हम लोग को राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। तीसरा है हल्का इकाई का पुनर्गठन करना। इस तरह से अन्य मांगे हैं 11 सूत्री मांगे हैं। हम राजस्व उप निरीक्षक पूरे राज्य से आज माननीय मुख्यमंत्री के आवास को घेरने आए हैं। कारण कि हमारे संघ और सरकार के साथ 10-10-2019 को 11 बिंदुओं पर समझौता हुई थी। उन समझौता बिंदुओं पर एक भी कार्रवाई नहीं होने से आज का यह आंदोलनात्मक कार्रवाई है। हम लोगों का जो मुख्य मांग है वो है 2400 ग्रेड पे करना है, क्योंकि पूर्व की सरकारों के द्वारा हम लोग के साथ समझौता किया गया था पर वो समझौता का पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग हेमंत सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि पूर्व का जो भी हम लोग का समझौता हुआ था उसे अमल में लाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को हमेशा छला गया है और हेमंत सरकार के द्वारा हम लोगों को काफ़ी अपेक्षा है। हेमंत सरकार ने सबका आँख से आंसू पोंछने का काम किया है। हम लोगों को उनसे उम्मीद है और उम्मीद उसी से किया जाता है जो कुछ देता है, और हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने हर मामला को संज्ञान में लिया है और हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो हम लोग का मामला भी संज्ञान में ले और हम लोगों को मांग को पूरी करें। साथ ही एक ऐसा एक और मामला जो है बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत ज़रूरी समझते हैं हम लोग, वो है प्रोटेक्शन एक्ट, रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट बिल को वो अविलंब पारित करने के दिशा में कार्य करें और करें भी, ताकि हम लोग को निष्पक्ष होकर और स्वतंत्र होकर काम करने का मौका मिले। और अगर इस दिशा में अगर सकारात्मक प्रयास नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले दिनों में हड़ताल करेंगे और इस हड़ताल की सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।